तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं माँ राजमा की दाल, जिसे हम दाल मखनी भी बोलते हैं। इसके लिए राजमा थोड़े से लेकर उसमें पानी डाल के एक सीटी आने तक नमक डाल के राजमा को उबालना है। इस पानी में ही आप सब चीज़ें डाल देंगे, लहसुन, मोटी इलायची, लौंग, हींग। इसमें ही हमने सब चीज़ें डाल के एक ही साथ पानी सारा डालने के बाद इसको हमने एक सीटी आने तक उबालना है। जब कुकर में एक सीटी आ जाएगी, इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल भी डालेंगे, जिससे कि ये चीज़ जल्दी गलती है। और एक सीटी के बाद इसमें हम दाल डालते हैं। तो आप कुकर को बंद करके एक सीटी लगाइए और उसके बाद कुकर का ढक्कन खोल के इसमें बाकी की दाल को धोकर डाल दीजिए। दाल धो के डालने के बाद आपने इसको 20 मिनट तक पकाना है। अब टमाटर की ग्रेवी बनाइए और देसी घी में हम इस दाल का तड़का तैयार करेंगे। तड़का लगाने के लिए घी में जीरा डालिए और प्याज डालिए। लहसुन हमने उबलने में ही डाल दिया था, इसलिए इसमें लहसुन की अभी ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो तड़के के टाइम भी आप लहसुन डाल सकते हैं। प्याज थोड़ा ब्राउन होने पर इसमें अदरक और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। और उसके बाद जब मसाला तेल छोड़ने लगे, इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और अच्छे से मसाले के तेल छोड़ने तक पकाएंगे। अब इस तड़के में हम दाल को ऐड करेंगे। देखिए दाल कितनी अच्छी हो गई है और एक सीटी में राजमा इतने अच्छे गल जाते हैं। दाल को इस मसाले में ऐड करिए और थोड़ी देर उबाले आने तक दाल को पकाइए। देखिए दाल कितनी अच्छी पकी है और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अब इसमें आप थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिए और घर का बना हुआ मैं फ्रेश बटर डाल रही हूँ। आप बाज़ार का बटर भी डाल सकते हैं और इसको थोड़ी देर पकाइए। देखिए दाल हमारी बनके एकदम तैयार है। आप गर्मा गर्म दाल, धनिया पत्ती डालकर और थोड़ी सी घर की फ्रेश मलाई हो या क्रीम, आप जो भी डाल सकते हैं डाल के सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से ये दाल। ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू।